Hello friends, welcome back to my channel Easy Beauty Tips. Friends, आज मैं आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर आई हूँ जो है फेस क्लींजर के ऊपर कि हम अपना फेस क्लीन कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। फ्रेंड्स, तो आज हम स्टार्ट करते हैं आज की रेमेडी। फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हमें चाहिए बॉइल्ड मिल्क। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे बॉइल मिल्क लिया है। बॉइल मिल्क करके मैंने इसे ठंडा कर लिया है और 4-5 चम्मच मैंने यहाँ पे बॉइल मिल्क लिया है, यानी कि उबला हुआ मिल्क। फ्रेंड्स, इसमें हमें डालना क्या है? सेकंड चीज, हमें डालना है इसमें टर्मरिक पाउडर, यानी कि हल्दी पाउडर। जी फ्रेंड्स, हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ मैं अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। ये मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्रेंड्स, आप तो जानते ही होंगे कि हमारे फेस पर कितनी सारी डर्ट जम जाती है। फ्रेंड्स, हम लोग घर से बाहर निकलते हैं और पॉल्यूशन बहुत ज्यादा है। पॉल्यूशन के कारण हमारे फेस पर बहुत सारी डर्ट जमा हो जाती है, यानी कि गंदगी जमा हो जाती है। और जो हमारे फेस के ओपन पोर्स होते हैं, धूल मिट्टी उसमें चली जाती है और वो खट्टा हो जाती है उसके अंदर। तो फ्रेंड्स, हम फेस धो लेते हैं लेकिन हमारी वो धूल मिट्टी या कह सकते हैं फेस हमारा क्लीन नहीं हो पाता है। फ्रेंड्स, हम क्लींजर कैसे कर सकते हैं और आप ये रोजाना क्लीन कर सकते हैं? इससे क्या होता है, हमारे फेस की जितनी भी डर्ट होती है, जितनी भी प्रॉब्लम्स होती है, वो सारी क्लीन हो जाती है। फ्रेंड्स, अब हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना है मैं आपको बता दूंगी। हमें चाहिए कॉटन। कॉटन की मदद से हमें इसे अपने फेस पर 5 मिनट के लिए अप्लाई करना है। 5 मिनट तक आप अपने फेस पर कॉटन की मदद से इसे क्लीन करिए ऐसे। और क्लीन करने के बाद आप चाहे तो इसे रात में छोड़ भी सकते हैं। और या फिर आप इसे क्लीन कर भी सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इसे शाम में रोजाना करेंगे तो आप खुद ब खुद इसका रिजल्ट देखेंगे कि आपका फेस ग्लो भी कर रहा है, प्लस आपकी जो डेड स्किन है वो भी रिमूव हो रही है। जो आपकी फेस पे जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो आपको हटती भी दूर होती भी नजर आएगी। फ्रेंड्स, इससे हमारे फेस क्लीन होने के साथ साथ आप देख सकते हैं यहाँ मेरे हैंड से कितना मैल निकला है। आप इसका रिजल्ट 5 मिनट्स के अंदर खुद देख सकते हैं। आप इससे अपना फेस, हैंड या फुट जो भी क्लीन करना चाहें कर सकते हैं। इसका रिजल्ट आपको 5 मिनट्स में खुद मिल जाएगा। और मैं फ्रेंड्स, मैं ये कहूंगी कि आप इसे अगर जब भी आप बाहर जाते हैं, जब बाहर से आप घर आते हैं, घर आने के बाद इस रेमेडी को, मतलब दूध को और हल्दी को बनाकर रखें, आप स्टोर कर सकते हैं 1 हफ्ते तक। और आप जब घर आए तो आप इसे अप्लाई करें अपने फेस पर, अपनी सारी गंदगी को निकालें। इससे आपका फेस कभी खराब नहीं हो सकता है। आप खुद ही देखिए, यहाँ मेरे हैंड पर एकदम पर्स नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से मेरा हैंड क्लीन हो गया है। और आप इसे 5 मिनट्स तक ऐसे ही करें और आप इसे नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो रात में इसे रख कर भी सो सकते हैं, यानी कि लगा कर भी सो सकते हैं। फ्रेंड्स, हल्दी में ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे अनवांटेड हेयर को भी फेस से हटा देती है। आप खुद देखेंगे कि नेचुरली आपके अनवांटेड हेयर जो है वो खुद ब खुद गायब होते हुए नजर
नजर आ रहे हैं जी फ्रेंड्स। यहाँ मुझे 5 मिनट्स हो चुके हैं, अब मैं आपको दिखाऊं कि इसका रिजल्ट कैसा है। आप मेरी इस हैंड में और दूसरे हैंड में फर्क देखिएगा कि कितना फर्क है। देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मेरा ये हाथ और ये हाथ जिसको मैंने क्लीन किया है वो मेरा हैंड क्लीन नजर आ रहा है, और जिसको मैंने क्लीन नहीं किया वो देखिए कैसा नजर है। आप फर्क खुद ही देख सकते हैं जी फ्रेंड्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर जरूर करें।